जी, तो वेलकम बैक टू पार्ट टू। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी भी अपनी मस्तियों में लगा हुआ है। इसके बाद मुझे काम जाना था, तो मेरा एक अदर दोस्त आया जिसका नाम माज है, कि आप चेक कर सकते हैं, देखिए फ़िल्टर में कितना अच्छा लग रहा है ये है। मैंने इसे कहा बस हमने यहाँ थोड़ा सा दूर तक ही जाना है, इसको ये नहीं पता था कि हम कितनी दूर जा रहे हैं। बस इसके साथ साथ मैं चलता रहा, हम चलते रहे। आधे रास्ते में हम पंजाबी यूनिवर्सिटी के जब सामने से गुजरे हैं, तो कहता चलाओ यहाँ ही चलते हैं, कभी हम भी इसमें जाया करते थे। फिर यहाँ पे अचानक इसे दुबई चौक नज़र आया, तो ऐसे लगा शायद हम दुबई जाने लगे हैं। तो फिर इसके साथ इसी रोड पे रवा दवा हम जा ही रहे थे, कि आगे से जब इसे और ही ट्रेन वाला पुल नज़र आया, तो ये कहता यार मुझे लगता तुम मुझे बहुत दूर लेके जा रहे हो। बेसिकली मैंने लेनी थी अपनी ग्लासेस बनवाने के लिए दी थी, ये चेक कर सकते हैं आप, मैं फ्लेक्सेस मार रहा हूँ, चेक करें वहाँ पे। फिर इसका भी दिल कर पड़ा कि ये भी मैं भी अपनी नज़र चेक करवा लूँ। ये एक आदत और मेरा दोस्त है हमदा, उसको तंग करते हुए जिसे अच्छी लोरिया के नाम से मशहूर किया गया है, ये भी मेरा कॉलेज फेलो है। अब ये देखिए, अब कोई लंगर पानी का इंतज़ाम करते हुए, कोई पानी शानी कोई बोतल शोतल, वो आपको पता ही है, फिर तकिया कलाम तो फिर बनता ही है। फिर वापसी पर जाते हैं और इन ट्रेन के नज़ारे लिए, और इन ट्रेन बहुत स्लो 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 स्लो, इंशाल्लाह किसी दिन इसमें भी हम विज़िट करेंगे। इसके बाद वापस आते हुए कलमा चौक की तरफ से हम अपने घर की तरफ वापस हुए। तो ये आज की रवाना थी और आज का ब्लॉग था।